तो अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 10.5 को ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 10.5 को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना। एक बात बताइए आप लोग, इसके पहले हम लोग अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट किए थे कि 9.6 को, बताइए 9.6 को क्या किए थे उसके लिए, कि अंडर रूट को हटा के सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग और अंडर रूट को भूल जाते हैं, और 10.5 जितना आएगा उसको हम लोग नंबर लाइन पे स्केल से दिखा देंगे। जैसे स्केल पे मान लीजिए ये जीरो है, तो स्केल पे हम नाप लेंगे स्केल को रख के 10.5, है ना। अब मान लीजिए ये 10.5 है, ये हमारा 10.5 है। अब उसमें हम 10.5, अगर ये पॉइंट मान लिए ए को हम मान लिए कि ये 10.5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10.5 है मेरा और ये ए है, तो उसके बाद क्या करते थे हम लोग, कोई बताएगा हमें। एक सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ाते थे, मतलब यहाँ से एक सेंटीमीटर और यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे मान लेंगे, मान लीजिए बी। अब ये मान लीजिए ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाने के बाद, मतलब 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने के बाद, हम ओ को और बी को क्या करते थे, परपेंडिकुलरली बाइसेक करते थे। ओ और बी को परपेंडिकुलरली क्या करते थे हम लोग, परपेंडिकुलरली बाइसेक करते थे। तो आधा से अधिक आर्क लेके ऊपर काटेंगे, फिर आधा से अधिक आर्क लेके नीचे, फिर यहाँ से आधा से अधिक लेके आर्क यहाँ पे और यहाँ पे। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे एक मिड पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे एम, मान के चलिए। अब ये ए तक का लेंथ आपको याद रहना चाहिए कि ए तक का लेंथ 10.5 था। उसके बाद हम क्या करते थे कि एम को सेंटर मान के ओ बी को, मतलब एम बी को, अच्छा है एम ओ को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल बनाते थे। यानी ना ऐसे, जैसे यहाँ पे हम अपने कंपास का पॉइंट रख लेंगे, आ कंपास आप पेंसिल को तो एडजस्ट किए रहेंगे बराबर करके, है ना। थोड़ा सा पेंसिल का नोक को बढ़ा देना, थोड़ा सा एकदम ना मात्रा का, पेंसिल वाले नोक को कंपास वाला पॉइंट यहाँ रख के इसको रेडियस में नाप लेंगे, आ इसको इसको करके ऐसे गोल घुमा देंगे। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। उसके बाद क्या करते थे याद करो, ये जो ए पॉइंट है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, पॉइंट ए पे क्या डिग्री का एंगल बताओ, 90 डिग्री का। तो ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका ये है हमारा। अब ये 90 डिग्री मान लो बन गया, तो इसको इसको मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट है उसको हम एम से ज्वाइन करते हैं, एम से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मतलब यही जो लेंथ आएगा ना, ये जो 90 डिग्री जाके यहाँ पे कट किया, यही मान लो, अगर मान लो ये पी बोल रहे हो, तो यही पी ए लेंथ जो होगा वो क्या होगा जानते हो, अंडर रूट 10.5 होगा, बोलो। होगा कि नहीं होगा, यही जो आर्क को, ये सेमी सर्कल को यहाँ पे ए से 90 डिग्री बनाने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट करता है, वहीं से वहाँ का लेंथ क्या होता है आपका, अंडर रूट 10.5। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, सर आप प्रूफ करके दिखाइए। तो हम कहेंगे ठीक है, हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, एम से हम पी को ज्वाइन कर देंगे। अब जरा बताओ, एम से अगर हम पी को ज्वाइन करेंगे तो ये पी एम का लेंथ, चाहे एम बी का लेंथ, चाहे ओ एम का लेंथ, सब तो एक सर्कल का रेडियस है, ये सेमी सर्कल का रेडियस ही है ना। बाकी लोग बोले, सुनाई दे रहा है,
तो ये रेडियस ही होगा ना, क्योंकि यहां से देखिए ये जो गोल घेरे हैं तो ये सर्कल हो गया ना एक हिसाब से। सर्कल का यहां से सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस। अब ये लेंथ जो है वो किसके बराबर होगा, एम पी का लेंथ किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर होगा या फिर एम ओ के बराबर होगा। एम पी, एम बी, एम ओ सब बराबर होंगे क्योंकि सब सर्कल का रेडियस है। अब जरा बताइए आप हमको कि एम बी का लेंथ कितना हुआ होगा। तो एम बी का लेंथ जो है हम यहाँ से ओ से बी तक का लेंथ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ओ से बी तक का लेंथ कितना होगा, 10.5 अब प्लस 1 यानी कि 11.5 होगा कि नहीं होगा। ओ से बी तक, देखो ओ से ए तक 10.5 आ उसमें एक जोड़ दिए हैं तो एक और जोड़ देंगे तो 11.5 हो जाएगा। और उसका आधा, उसका आधा ओ बी का अगर आधा करेंगे तो हमारा जो है वो एम बी आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि पूरा जो है डायमीटर है सर्कल का तो आधा रेडियस होता है। एक पूरे सर्कल का डायमीटर अगर है तो ये बीच वाला पॉइंट तो आधा आधा कर देगा ना, तो वो रेडियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11.5 आ डिवाइडेड बाई 2। अब ये एम बी का लेंथ हो गया और ये पी एम उसके बराबर है, यानी कि एम पी भी हो जाएगा हमारा कितना, 11.5 बाई 2। अब एम पी का लेंथ हमारा आ गया 11.5 बाई 2। अब यहाँ से ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। हम पूछेंगे कि M से A तक का लेंथ कितना होगा, कोई बताएगा हमें, M से A तक का लेंथ कितना होगा, M से B तक के लेंथ में अगर 1 सेंटीमीटर घटा दें तो M से A का लेंथ आ जाएगा। मतलब M से A के लेंथ के लिए हम पहले M से B के लेंथ में A से B का लेंथ घटा देते हैं। AM का लेंथ लिखना चाहते हैं ना MA का, तो M से B तक पूरा ले लेते हैं और उसमें से ये 1 सेंटीमीटर जो बढ़ाए थे वो घटा देते हैं। तो पूरा में से अगर इतना लेंथ काटोगे तो यही ना बचेगा, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बढ़िया है। तो अब जो है MB का लेंथ तो आया हुआ है हमारा ये 11.5 बाई 2 माइनस का AB, तो AB का लेंथ 1 है तो ये आ गया हमारा MA का लेंथ। अब 1 घटाओगे तो बाई 1 करके घटा लो कितना हो जाएगा, 11.5 माइनस 2 1 जा 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 2 LCM होगा। 11.5 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ गया ये 9.5 बाई 2। 11 में से 2 घट जाएगा तो 9 बचेगा, तो ये हो गया 9.5 बाई 2 और ये आ गया 11.5 बाई 2। तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल में हमको चीज़ें मिल रही हैं। एक राइट एंगल ट्रेंगल में ये मान लीजिए कि M था आपका, ये P था आपका और ये A था आपका, तो M से A तक का लेंथ कितना आया हुआ है, M से A तक का लेंथ कितना आया हुआ है, 9.5 बाई 2। P से M तक का लेंथ कितना आया हुआ है, P से M तक का लेंथ या M से P तक का लेंथ, 11.5 बाई 2। अब एक राइट एंगल ट्रेंगल में अगर हमको हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं कि नहीं। परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये पता होना चाहिए कि एच स्क्वायर बराबर हमारा होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पी स्क्वायर निकालना होगा तो बी स्क्वायर को उधर भेजना होगा, तो एच स्क्वायर के साथ जब आएगा बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर बना लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है
वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हमारा कितना है, 11.5 बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस बेस कितना है हमारा, 9.5 का होल स्क्वायर। और ये पी का स्क्वायर है, पी निकालने के लिए अंडर रूट करना होगा, तो अंडर रूट करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर तो कर लें। अब ज़रा बताइए 11.5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, करके देखो। 11.5 का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा, जल्दी से। इलेवन पॉइंट फाइव करो, जो रिजल्ट आएगा हमें बताओ फटाक से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 11.5 का मल्टीप्लाई 11.5 में करेंगे तो आएगा 132.25, और भाई दो का भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर दोनों में जाएगा, ऊपर का स्क्वायर ये हो गया, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और माइनस 9.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 19.25, और बाई 4। तो अब जो है थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना होगा, जोड़ना घटाना होगा, तो आप क्या कर लो कि 132.25 में से 90.25 घटाना है, तो घटा लो यहीं पे, तो 90.25 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये दो और 13 में से ना गया 4, तो ये हो जाएगा कितना, 42.0। तो 42 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो अगर हम इसको काटें तो कितना आएगा, दो से, दो दुना के चार, और यहाँ पे दो दुना के चार, दो एकम दो, तो 21/2। अब पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हुआ है, ये पी स्क्वायर का ना वैल्यू आ रहा था, तो पी स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ चुका है 21/2। अब 21 को अगर 2 से काटा जाए तो कितना आएगा बताओ तुम, 2 एकम 2, 1 शून्य बढ़ाएंगे 1 0, 2 5 10, तो तुम्हारा ये कट गया 10.5, तो p का वैल्यू आ गया ना अंडर रूट 10.5। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये जो लेंथ है ना, ये परपेंडिकुलर का वो लेंथ ही था अंडर रूट 10.5, ये कन्फर्म हो गया। अब ये लेंथ को अगर हम नाप लिए कि ये भैया अंडर रूट 10.5 है, तो जीरो इसको माने थे, तो जीरो से हम इसको काट देंगे ऐसे करके। अब ये पॉइंट जो आएगा, मतलब इसको पहले नाप लेंगे, आ इसको नाप के यहाँ से इसको कट कर देंगे, अब ये जो होगा वही 10.5 का अंडर रूट होगा जहाँ भी नंबर लाइन पे आ जाए। तो इसको ऐसे गोल घेर के, ऐसे तीर का निशान दे के लिख देंगे कि दिस इज अंडर रूट 10.5। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। तो फिर से सुनो सारी कहानी, क्या क्या करना होता है, एक बार रिकॉल हो जाएगा। जितना अंडर रूट दिया हो बनाने के लिए, सबसे पहले तुम अंडर रूट भूल के नंबर लाइन पे उस नंबर को दिखा देना, जैसे 10.5 का अंडर रूट है तो 10.5 को दिखा देना, 10.5 दिखाने के बाद उसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ देना, माने 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट ले लेना, फिर जो बड़ा लेंथ मिल गया वो भी, जो कि 10.5 और 1 जोड़ने के बाद आता है, उतना को क्या करना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। कैसे करते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, तो आधा से अधिक आर्क लेके ऊपर काटते, नीचे काटते, फिर यहाँ से आधा से अधिक ऊपर और नीचे, उससे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, मतलब ओ और बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, और ये मिड पॉइंट से हम एक सेंटर मानेंगे और कंपास को यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाले पॉइंट को बी पे रखेंगे, ये हो गया हमारा रेडियस। अब ये रेडियस हो गया, अब इसी से एक सर्कल घुमा देंगे इस तरह से, तो एक सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद ये सेमी सर्कल बनने के बाद जो ए पॉइंट था 1 सेंटीमीटर के पहले वाला पॉइंट, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का जब एंगल बनाते हैं तो वो ऊपर जाके ये सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है, उसको पी मान लेते हैं। यही पी पॉइंट जहाँ पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट से अगर ए को देखा जाता है तो वही लंबाई अंडर रूट 10.5 आ जाता है। तो अंडर रूट 10.5 ही नहीं, इस नियम से तुम अंडर रूट 2 भी बना सकते हो, इस नियम से तुम अंडर रूट 3 भी बना सकते हो, इस नियम से तुम अंडर रूट 5 भी बना सकते हो,
लेकिन अंडर रूट फाइव, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री हम पहले से भी बनाने जानते हैं। दिक्कत हमें इसमें होती है अंडर रूट 10.5 में। जैसे मान लो कि अंडर रूट फाइव बनाना है तुमको, तो क्या करोगे? सबसे पहले पहले अंडर रूट भूल के पांच बना लेना, अंडर रूट भूल जाना। जैसे अंडर रूट भूल गए 10.5 बनाए, उसी तरह अंडर रूट भूल के पहले पांच बना लेना, पांच में एक जोड़ देना, एक जोड़ने के बाद जो छः आएगा उसको आधा कर देना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना, मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट से आप क्या करोगे? सेमी सर्कल बना लेना और यहाँ पांच वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना, समझ रहे हो ना? अब ये अपने आप ये लेंथ आएगा अंडर रूट फाइव, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी को डाउट रहा अभी कि हो गया कंप्लीट? ओके ना? अरे बोल दो भाई। अब देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें मान लो बनाना है कि रिप्रेजेंट 1+√9.5 ऑन द नंबर लाइन। तो इसे घबराना नहीं है, तुम सबसे पहले अंडर रूट 9.5 बनाने तो जान गए हो, उसको तो बना सकते हो ना। अंडर रूट 9.5 बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? अरे सुनाई दे रहा है तो बोलो। तो अंडर रूट 9.5 बना लेना, जितना लेंथ आ जाएगा उसको अलग जगह पे क्या करना कि एक कंपास का पॉइंट नापे तो हो गए ही, उस कंपास के पॉइंट से पेंसिल को एक पॉइंट ले लेना यहाँ पे, ऐसे कंपास का पॉइंट रख के ऐसे कट कर देना यहाँ पे। तो ये लेंथ हमेशा जो है वो अंडर रूट 9.5 रहेगी आफ्टर बनाने के बाद। अब उसमें क्या करना कि अलग से 1 सेंटीमीटर लेंथ और जोड़ देना, अपने स्केल पे 1 सेंटीमीटर फिर नाप लेना, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना। अब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे ये वाला लेंथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जोड़ोगे तो ये अंडर रूट 9.5 था यहाँ तक, आ ये एक हो चुका है, तो क्या 1+√9.5 नहीं हो जाएगा? बात समझे कि नहीं समझे? पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 9.5 बना के नाप लेंगे और उसके बाद उसको हम अलग जगह पे स्केल रख के लिख देंगे और उसमें 1 सेंटीमीटर और नाप के बढ़ा देंगे और फिर इस अपने पेंसिल का पॉइंट यहाँ रख देंगे और बढ़ा के कंपास के पॉइंट को यहाँ तक, कंपास के पॉइंट यहाँ रख देंगे, आप पेंसिल का पॉइंट बढ़ा के यहाँ तक ले लेंगे, वो नाप आ जाएगा और जो बना हुआ होगा उसमें हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट कर देंगे और इस पॉइंट को लिख देंगे कि दिस 1+√9.5। क्या कोई दिक्कत है? बात समझ गए ना? बोलिए यार, कोई दिक्कत है समझने में?